देर चलिए आज मैं एक पोएम कंप्लीट कराऊं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, मेरे तरफ से आशीर्वाद। मेरे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में तुम्हें निर्देशानुसार वाक्य बदलना कराया था। उसके पिछली कक्षा में मैंने भेड़ और भेड़िए का सारांश दिया था। उसमें इन दो कक्षाओं में केवल ग्रामर का कुछ काम करने के लिए दिया था, लेकिन आज मैं एक कविता की व्याख्या के साथ साथ तुम्हें मैं असाइनमेंट कार्य भी दे रहा हूं। आइए, दोनों असाइनमेंट तुम्हारे ग्रामर बुक में ही है, सरस हिंदी व्याकरण में। मेरे जो पहला असाइनमेंट वाक्य है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पेज नंबर 102 में इस ओपनिंग सेंटेंस पर एक कहानी है, उसे लिखना है। असाइनमेंट नंबर 2 पिक्चर राइटिंग है, पेज नंबर 110-111। मेरे बच्चों, 110 में वो चित्र है, उसका फोटो कॉपी, उसका फोटो लेकर के, उसका जेरोक्स लेकर के असाइनमेंट के व्हाइट पार्ट में चिपका देना और रूल भाग में उसका असाइनमेंट लिखना। बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, उसी उचित सफाई अभियान से रिलेटेड है, क्लीनिंग से। उस चित्र में कुछ बच्चे अपने विद्यालय की सफाई कर रहे हैं, उसे तुम लिख लो। ये दो ही असाइनमेंट, 9 में 2, 10 में 2। मेरे बच्चों, ये स्कूल खुलने के बाद ये तुम्हें ये असाइनमेंट करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे बच्चों मेरे हिंदी का ये असाइनमेंट कर लेना। जो ही स्कूल खुलेगा सबसे पहले मैं हिंदी असाइनमेंट बच्चों से कलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो ये 5 चैप्टर हैं, 3 कहानियां और 2 पोएम, उसका क्वेश्चन आंसर देकर कंप्लीट करूंगा, ताकि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और रिविजन का भी चांस हो। मेरे बच्चों, अब अपनी किताब साहित्य सागर लेकर बैठो, पेज नंबर 92 निकालो। पेज नंबर 92, पोएम का नाम है चलना हमारा काम है। मेरे बच्चों, इस पोएम में कवि ने बताया है कि मनुष्य अपने जीवन भर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहता है। उसके जीवन का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की इच्छाएं नहीं मरती, इसलिए उसके जीवन का संघर्ष चलता रहता है। अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन आसान बन जाए, उन्हीं बातों का उल्लेख कवि ने इसमें किया है। कह रहा है कवि, सिंधु गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर तक। कवि कह रहा है कि यदि पैरों में चलने की शक्ति है, अर्थात जीवन में शक्ति है, और मन में इच्छा है लक्ष्य को पाने की, तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह रुकने की बात नहीं सोचनी चाहिए। आज जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना, जब लक्ष्य बहुत दूर है, जीवन की इच्छाएं अभी जीवित हैं, तो हमें कभी जीवन पथ पर रुकना नहीं चाहिए। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम। याद रखो मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी न हो जाए, जब तक तुम्हारा मंजिल न मिल जाए, तुम्हें आराम करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। घर में बैठे बैठे सोचते होगे कि बहुत सारा काम मिल रहा है करने के लिए। नहीं मेरे बच्चों,
वो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे करना चाहिए। करने से अभ्यास बढ़ता है, करने से ज्ञान बढ़ता है। जब तक न मन जीत पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। मन में हमेशा ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हमें आराम करने की, विश्राम करने की बात मन में नहीं लानी चाहिए। करने की तो बात दूर रही, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ मन का हट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। मेरे बच्चों, जीवन में सुख दुख बांटने से बहुत फायदे होते हैं। यदि मन के दुख को दूसरे से कहो तो तुम्हारा मन का दुख हल्का हो जाएगा। अपने मन के सुख को दूसरे से बांटो तो तुम्हारे सुख की अनुभूति बढ़ जाएगी। सुख बांटने से सुख बढ़ता है, दुख बांटने से दुख कम होता है। उसी का जिक्र कर रहा है कि जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते समय यदि दुख मिला तो उस दुख का वर्णन, दुख का जिक्र दूसरे से करो, तुम्हारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। सुख मिला दूसरे को बताते चलो, तुम्हारा सुख बढ़ जाएगा। रास्ते में अच्छे मित्र मिल गए तो समझो कि तुम्हारा रास्ता काटना, रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। क्या राह में परिचय कहो, राही हमारा नाम है। मेरे बच्चों, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते समय हमारी पहचान न तो नाम से होती है, न परिवार से, न जाति से, न धर्म से, न देश से। हमारी पहचान एक कर्मठ व्यक्ति की से होती है। हमारी पहचान हमारे कर्मों के रूप में प्रकट होती है, हमारी पहचान हमारे कर्तव्यों के रूप में प्रकट होती है। अतः हमें अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, कमी ने जीवन को अपूर्ण, इनकम्प्लीट क्यों कहा? इसका भी एक कारण है मेरे बच्चों। मनुष्य के जीवन में कभी भी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब तक उसके मन में इच्छा होती है तब तक उसका लक्ष्य बना रहता है, और जब तक लक्ष्य बना रहता है मनुष्य के जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जीवन को पूर्ण कहा गया। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा आ गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी इच्छा जन्म ली, तीसरी पूरी हुई, चौथी इच्छा जन्म ली। कभी इच्छाएं मरती नहीं, इसलिए जीवन को इनकम्प्लीट कहा गया है। पाता कभी खोता कभी, मनुष्य जीवन में कभी सुख प्राप्त करता है, कभी दुख भोगता है, कभी उसे लाभ होता है, कभी हानि होती है। जीवन में कभी हंसता है, कभी रोता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वो हंसे या रोए, पाए या खोए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसकी गति और उसकी मति ये कभी अवरुद्ध रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। हमेशा पैरों की गति बरकरार रहनी चाहिए और सोचने की शक्ति, बुद्धि भी सजग रहनी चाहिए। चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रभाव में कभी उन लोगों के लिए जो दुख में पड़ने पर ज्यादा विचलित हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, उनको समझा रहा है। मेरे बच्चों ध्यान दो, जैसे अभी कोरोना पीरियड है, बहुत सारे देश एकदम छटपटा उठे हैं। कैसे वे अपने देश में कोरोना प्रभावित लोगों को ठीक करें, कैसे मृत्यु दर कम हो, कैसे लोग स्वस्थ हो, हमारा भारत भी। लेकिन मेरे बच्चों, क्या इस व्याकुलता में हमें अपनी बुद्धि खोनी चाहिए? नहीं, बुद्धि खो देंगे तो उपाय नहीं मिलेगा।
वही है यहाँ। इस विषद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, इस संसार में किसको अपने जीवन में दुख और सुख न सहना नहीं पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, सबको अपने जीवन में दुख सुख समान रूप से सहने पड़ते हैं। अतः दुख और सुख से हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर क्यों, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता बाम है, बाम मीन्स विरोध। तो हम क्यों अपनी नाकामियों के लिए, अपने असफलताओं के लिए, अपने दुखों के लिए क्यों हम ईश्वर को दोष दें, क्यों अल्लाह को दोष दें कि वो हमें दुख दिया। बार बार दुख में पड़ते रहे प्रभु, केवल मैं ही दिखाई देता हूं जो मुझे दुख दिया। अरे मेरे बच्चों, सुख दुख तो जीवन का एक अंग है। यदि जीवन में दुख न मिले तो सुख की अनुभूति लोगों को नहीं होगी। जैसे मीठा चीज खाते हो तो तुरंत तीखा खाने की इच्छा होती है, तीखा खाने के बाद तुरंत मीठा खाने की, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना जीवन में मिश्री खोलता है, जीवन में मिठास पैदा करता है। याद रखना, इसके लिए हमें ईश्वर को दोषी नहीं माननी चाहिए, अल्लाह को दोषी नहीं माननी चाहिए। हम अपने सुख दुख के जिम्मेवार खुद हैं। चलो मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा ही अटकता रहा। मेरे बच्चों, जो काम नहीं करेगा उसको कहाँ कष्ट मिलेगा, काम करने वाले को ही कष्ट मिलता है। तो कर्तव्य पथ पर बढ़ते समय, कर्म करते समय दुख मिले तो कभी घबराना मत, घबराना मत। काम करने वाले को ही कष्ट मिलता है, आलसियों को कष्ट नहीं मिलता, है ना। जो आगे बढ़ोगे रास्ते में हर एक बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, तुम्हारे जीवन में कभी आशा आएगी, निराशा आएगी, इसी का तो नाम जीवन है। यहाँ कवि ने बताया है, एक प्रश्न किया कि जीवन किसे, जीवन किसका नाम है, व्हाट इज लाइफ। सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि, हंसना रोना, धूप छाव, सफलता असफलता, इन सभी के मिश्रण को, इस सभी के मिश्रण को जीवन कहा जाता है। जीवन में ही जीवन है तो हंसना रोना दोनों आएगा ही, आशा निराशा आएगी, सुख दुख आएगा ही, धूप छाव आएगा ही, मनुष्य सफल असफल होगा ही, इसी का तो नाम जीवन है मेरे बच्चों। पर हो निराशा क्यों मुझे, इसी का जो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चलना हमारा काम है, इसी का नाम तो चलना है, इसी का नाम तो जीवन है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, पर गति जीवन की न रुकी, जो गिर गए सो गए। मेरे बच्चों, जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय कोई ना कोई मिलता है और बिछड़ता भी है, लेकिन हमें उस अवस्था में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिले, नए साथी मिले तो खुश होना चाहिए, बिछड़े तो थोड़े देर के लिए दुखित होना चाहिए, फिर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, इसी का तो नाम जीवन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है मेरे बच्चों। आज जो दिख रहा है वो एक ही पल में वो नहीं दिखाई देगा, चलता रहे हमदम उसी की सफलता अभिराम है, अभिराम सुखद, जो हमेशा चलता रहता है उसी को, अर्थात जो हमेशा कर्तव्य करते रहता है, जो हमेशा कर्म करते रहता है उसी को सुख की अनुभूति होती है, उसी को अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो चलने से घबराता है, कर्म करने से कतराता है, जो कर्तव्य पूरा नहीं करता वो कभी सुख की प्राप्ति भी नहीं करता, क्योंकि चलना हमारा काम है। मेरे बच्चे, ये नहीं व्याख्या, फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हिंदी असाइनमेंट केवल दो टॉपिक है, पहला टॉपिक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस पर एक कहानी लिखना है जो तुम्हारे ग्रामर के पेज नंबर 102 में है। दूसरा असाइनमेंट है चित्र प्रस्ताव पिक्चर राइटिंग,
कैसे चित्र प्रस्ताव लिखा जाता है उसी से तुम्हें पता भी चल जाएगा। 110 पेज नंबर 110 में चित्र दिया हुआ है, 111 में उसका वर्णन है। चित्र को वहां से उसका जेरक्स से लेकर के उस चित्र को छोटा भाग में काट करके बाएं साइड में, ये असाइनमेंट है मेरे बच्चों, यहाँ रूप रहता है, यहाँ व्हाइट पार्ट रहता है, यहाँ चिपका देना, नीचे चित्र प्रस्ताव लिखकर, यहाँ भी चित्र प्रस्ताव लिखकर जो ग्रामर बुक में है उसे अपने असाइनमेंट में उतार लेना। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, थैंक यू।